किशनपुरा अंडर ब्रिज खसरा संख्या 487/4 का मामला फिर से गरमाया। किशनपुरा अंडर ब्रिज के सामने खसरा संख्या 487/4 की तहसीलदार द्वारा तरमीम किए जाने की संभावना को देखते हुए सभी प्लाट धारक पंचायत समिति सूरतगढ़ में जन सुनवाई के दौरान श्री गंगानगर कलेक्टर लोक बंधु से मिले और ज्ञापन दिया और बताया कि 2018 में नगरपालिका द्वारा ओपन ऑक्शन में उन्होंने प्लाट लिए थे, परंतु 5 साल से प्लाट की राशि जमा होने के बाद भी अभी तक न तो रजिस्ट्री हुई न ही पट्टा बना है। हमने सूरतगढ़ नगर पालिका के द्वारा 2018 में ओपन ऑक्शन के अंदर किशनपुरा आबादी क्षेत्र में खसरा नंबर 487/4 में प्लॉट खरीदे थे और जिसकी चौथाई उसी दिन जमा करा दी गई और 1 महीने के भीतर पूर्ण राशि हमने जमा करवा दी। उसकी रसीदें अभी हम आपको दिखा चुके हैं। नगर पालिका के द्वारा अभी तक हमें उसका रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है, पट्टा जारी नहीं किया गया है। हम ये मानते हैं कि नगर पालिका ने वो प्लॉट जब बेचे थे तो उनके पास तरमीम की हुई ज़मीन होगी, उनके पास पूरी नियमानुसार उनके पास ज़मीन होगी, फिर वो हमारे को आज तक क्यों उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। इसके लिए हम 5 साल से लगातार कलेक्टर साहब, ADM साहब, SDM, तहसीलदार जी, EO साहब सबके पास जा चुके हैं, लेकिन न्याय कहीं भी नहीं है। हम ये तहसीलदार जी से आज कलेक्टर साहब के पास भी इसलिए आए, जन सुनवाई में इस प्रकरण को निपटाया जाए, हमारे प्लाट हमारे सुपुर्द किए जाए और जिस जमीन को ये विवादास्पद मान रहे हैं वो वस्तुतः विवादास्पद है ही नहीं। वहाँ 487/4 में नगर पालिका के पास 68 बीघा जमीन, उसमें से 12 बीघा में ये कॉलोनी घटी है और 12 बीघा में मात्र 50 प्लाट जो है हम सब लोगों ने मिलकर खरीदे हैं। शेष प्लाट अभी नगर पालिका के पास बाकी है। विवाद अब उस जगह की तरमीम का है जो हमें समझ में नहीं आ रहा भी इन प्रभावशाली नेताओं के कारण नगरपालिका, तहसील प्रशासन क्यों ये कार्य नहीं कर पा रहा है और क्यों न्याय हमको नहीं दे पा रहा है, ये हम उन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमने नगरपालिका से 2018 में आम बोली में प्लाट लिए थे, लेकिन अभी तक हमें उनका पट्टा है वो नहीं दिया गया है। हम कलेक्टर के पास, SDM के साथ बहुत बार 5 साल से पिछले घूम रहे हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें पट्टा दिलवाने व कब्जा दिलाने का। बीच में नगर पालिका ने हमें अस्थायी कब्जा दिया है, इस पर हमारा कब्जा है। यह चूँकि भूमि नगर पालिका की है और इसकी क्षेत्र में आती है तो इसमें राजस्व विभाग का कोई रोल नहीं है, लेकिन तहसीलदार जी इस बाबत अड़े हुए हैं क्योंकि वह उस हो सकता है सामी पार्टी से मिले हों, यह उस पार्टी को देना चाहते हैं, इसमें उनकी हो सकता है मिली भगत हो, लेकिन यह तरमीम की हुई जमीन नगरपालिका ने ऑक्शन की थी और 2018 में बोली हुई है, हमें इसका पट्टा दिया जाए।